स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ही है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, अंडू, रीडू, ये इतने, इनके बारे में कैसे इनको प्रयोग करते हैं ये दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, इस टूल बार के सभी फॉर्मेटिंग टूल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। स्टाइल, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, हमने क्या क्या करना है, ठीक है, हम एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, कुछ और ड्राइंग बनाते समय हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें क्या है, स्टाइल में क्या दिया है, फॉन्ट टूल के द्वारा सीधे सीधे टेक्स्ट के स्टाइल को सेट करना। फिर फॉन्ट क्या है, फिर बोल्ड है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड टूल पर किसी भी शब्द को हमने बोल्ड करना है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा दिखाना है तो हम बोल्ड बटन पे क्लिक करते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन जब किसी शब्द पे हमने नीचे लाइन खींचनी है तो अंडरलाइन में जाते हैं, ठीक है। ऐसी ये है, देखिए। फिर है एम एस वर्ड की शुरुआत, प्रारंभ या ओपन खोलना, कैसे एम एस वर्ड को हम खोलते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर तत्पश्चात मेन्यू प्रोग्राम को क्लिक करेंगे, फिर वर्ड विकल्प आएगा, इस कमांड के अनुसार फिर ये खुलते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के सभी क्रियाविधि, टूल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर क्या होता है, कर्सर, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस टूल बार, ठीक है। इसी प्रकार ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल को कराऊंगी।